हेलो दोस्तों, आशा करता हूं कि आप लोग सब अपने घर पे मस्त और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, हम अपने अगले पड़ाव में आ चुके हैं। अब तक आपने दो महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में जान लिया है, पहला कम्युनिकेशन स्किल और दूसरा जो बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव और इनोवेटिव होना चाहिए, यस क्रिटिकल थिंकिंग। अब हम चलते हैं हमारे अगले पड़ाव पे और जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है हमारी इस लाइफ में। हम लोग अक्सर ये कंफ्यूज रहते हैं कि अगर हमारे पास ज़्यादा दिमाग है तो ही हम ज़्यादा सक्सेस कर पाएंगे, लेकिन आज का जो टॉपिक है ये टॉपिक एकदम ही अलग दिशा में आपको लेकर जाएगा और ये बताएगा कि किस तरीके से ये हमें आगे बढ़ने में अपनी मदद करेगा। दोस्तों चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे और आज का टॉपिक हमारा है इमोशनल इंटेलिजेंस। तो चलिए देखते हैं कि क्या है इसके अंदर। याद रखना कि सॉफ्ट स्किल्स के अंदर आपको सिर्फ एक या दो पॉइंट्स नहीं, बहुत सारे पॉइंट्स का कॉम्बिनेशन जब आपके पास होगा तभी आप उसमें बहुत ज्यादा महारत हासिल कर पाएंगे। दोस्तों चलते हैं आज का हमारा जो टॉपिक है उसके ऊपर, इमोशनल इंटेलिजेंस। एक्चुअली लोगों को कंफ्यूजन है इस बात का कि इमोशनल इंटेलिजेंस होता क्या है। सिर्फ वो ये जानते हैं कि इमोशनल मतलब भावना, इंटेलिजेंस मतलब बुद्धि। इमोशनल इंटेलिजेंस को अगर मर्ज करते हैं तो ये हो जाता है भावनात्मक बुद्धि। बिल्कुल, गूगल भी आपको यही बताएगा, इमोशनल इंटेलिजेंस मींस भावनात्मक बुद्धि। लेकिन क्या ये भावनात्मक बुद्धि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्या नहीं? जी हाँ दोस्तों, आप चाहे जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, आप टीचर हो, आप पेरेंट्स हो, या फिर आपको बहुत सारे छोटे बच्चों को संभालना पड़ता है, या आप मार्केट रिसर्चर हो, यूट्यूबर हो, आप किसी भी तरह की फील्ड से बिलोंग करते हो, आपके पास इमोशनल इंटेलिजेंस का लेवल स्ट्रांग होना ही चाहिए। दोस्तों IQ और EQ, इन बातों में हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। IQ और EQ, IQ का मतलब क्या होता है और EQ का मतलब क्या होता है? इमोशनल क्वोशेंट और IQ का मतलब होता है इंटेलिजेंट क्वोशेंट। अब IQ और EQ में फर्क क्या है? IQ मीन्स इंटेलिजेंस, तो इंटेलिजेंस का मतलब होता है बुद्धि, और EQ का मतलब होता है भावनाओं के साथ। अब बुद्धिमता और भावनाओं में क्या फर्क है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। अभी तक हम लोग अक्सर बचपन से लेके हमारी बुढ़ापे तक हम यही समझते हैं कि जिसके पास अच्छी बुद्धि है वो इंसान ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जिसके पास अच्छी भावनाओं को पहचानने की कला है वो इंसान हमेशा सक्सेसफुल होगा। क्यों? क्योंकि बुद्धिमता आपकी कैरियर में सिर्फ 20% हिस्सा दे पाती है, लेकिन उसके सामने भावनात्मक जो कला है, आपको खुद को पहचानने की, लोगों को पहचानने की जो भावना की कला है, ये आपको आपके जीवन में, आपके कैरियर में, आपको अचीवमेंट हासिल करने में 80% सफलता देती है। आप चाहे कितनी भी बुक्स पढ़ लो, कितनी भी रिसर्च कर लो, आपको अक्सर दिखेगा कि जहाँ पे IQ और EQ की बात हो रही होगी वहाँ पे EQ का परसेंटेज 80 होगा और IQ का परसेंटेज 20 होगा। तो ये 80 और 20 दोनों मिलके 100% होते हैं। दोस्तों नाउ अब हम देखते हैं कि इसको हम कैसे अपने आप में ले सकें, या फिर हम इस IQ और EQ को कैसे समझें। एक स्टोरी के तौर पे समझते हैं। मान लो एक माँ है जो घर का काम करना चाहती है और वो अपने बच्चे को एक झूले में सुला देती है और उस झूले के ऊपर एक झुनझुना मतलब घंटी या घुंघरू, ऐसी कोई चीज़ जिससे आवाज़ निकलती हो, वो लगी हुई है और उस झुनझुने को अगर माँ हिला देती है तो बच्चे को पता चलता है कि हाँ माँ ने इस झुनझुने को हिलाया और उसमें से आवाज़ आई। वो आवाज़ बच्चे को पसंद आई और बच्चा फिर कोशिश करता है हाथों से, पैर से हिल कर कि वो झुनझुना वापस हिले और उसमें से आवाज आए। तो ये उसने क्या किया, दिस इज इंटेलिजेंसी, कि माँ ने जो चीज की उसमें से उसे जो चीज पसंद आई उसे करने के लिए वो खुद कोशिश कर रहा है। इसे कहते हैं IQ, इंटेलिजेंसी। लेकिन व्हाट इज EQ? उसी वक्त
माँ के पास बहुत सारा काम है और माँ ये सोचती है अगर मेरा बेटा सो जाएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा हमारे लिए। तो वो जाती है झूले के पास एक अच्छी म्यूज़िक के साथ, एक अच्छे वॉइस के साथ, एक टेप रिकॉर्डर में सॉन्ग प्ले कर देती है, लोरी प्ले कर देती है। लेकिन क्या बच्चा सो जाता है? नहीं, वो बच्चा सोता नहीं है। लेकिन जैसे ही माँ आती है, टेप रिकॉर्डर बंद करती है, बच्चे को अपने गोद में उठाती है, अपने सीने से लगाती है और वो अपनी बेसुरी आवाज़ में जब लोरी गाती है तो बच्चा तुरंत सो जाता है। इसे कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। क्यों? क्योंकि बच्चे ने माँ का इमोशन कनेक्ट किया। इस इमोशन को समझने के लिए या ऐसी चीज़ों को समझने के लिए हमें रेगुलर प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट लगेगी। दोस्तों, सॉफ्ट स्किल्स के अंदर ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जब आप किसी क्लाइंट के साथ बात करते हैं या अपने कलीग के साथ बात करते हैं या अपने बॉस के साथ बात करते हैं तो उनकी भावनाओं को, उस समय की भावनाओं को पहचानना बहुत ज़रूरी है कि वो किस मूड में है और किस तरह के कन्वर्सेशन के बाद उनको सेटिस्फैक्शन मिलेगा, उन्हें क्या सुनना पसंद है और क्या सुनना पसंद नहीं है, किस वे में, किस तरीके से आप उनकी सारी चीज़ों को पूरा कर सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आपको इमोशनल इंटेलिजेंस ही देगा। दोस्तों, चाहे आप अपने परिवार में खुश रहना चाहते हो, चाहे आप बिजनेस में सफल होना चाहते हो, चाहे आप आपके दोस्तों में फेमस होना चाहते हो, ये सारी चीज़ें आपको सिर्फ और सिर्फ इमोशनल इंटेलिजेंस ही दे पाएगी। क्योंकि एक इमोशन ही एक ऐसी चीज़ है कि कहाँ आपको हंसना है और कहाँ रोना है। जब आप खुद की भावनाओं को पहचान जाएं और दूसरों की भावनाओं को पहचान जाए, वहाँ पे आपका इमोशनल इंटेलिजेंस औरों से ज़्यादा हो जाता है। सो दोस्तों, इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में। हमें ये समझना होगा कि अगर हमें सॉफ्ट स्किल्स में महारत हासिल करनी है तो हमें हमारे EQ को भी बढ़ाना होगा, इमोशनल इंटेलिजेंस को भी बढ़ाना होगा। हमें ये समझना होगा कि सामने वाले को हम कैसे समझें, वो किस माहौल से गुजर रहा है, किस सिचुएशन में है, ये जानना उनके लिए आसान है जिनका EQ लेवल बहुत हाई है। सो दोस्तों, ये बात आप समझ लीजिए कि अगर आपको किसी चीज़ में कामयाबी हासिल करनी है सॉफ्ट स्किल्स के थ्रू, तो सॉफ्ट स्किल्स में किसी भी चीज़ को करने के लिए आपको बार बार दोहरानी पड़ेगी और बार बार दोहराने के लिए आपके पास EQ पावर बहुत अच्छा होना चाहिए। जब आप लगातार किसी चीज़ में फेल होते हैं तो फेल नहीं हो रहे, आप वहाँ से सीख रहे हैं, लेकिन वो काबिलियत सिर्फ़ और सिर्फ EQ वालों के पास ही होगी। अभी हमारे सामने बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल EQ का है। दोस्तों, हमारी बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में अभी बहुत सारे हादसे गुजर गए हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, ऐसा बहुत बार हो चुका है। बॉलीवुड में रिसेंटली ऐसा एक बड़ा एग्जांपल मैं आपको देता हूं दो एक्ट्रेस के बीच में। पहला है सुशांत सिंह राजपूत, जो अभी अभी जिसने सुसाइड अटेम्प्ट किया और अब वो इस दुनिया में नहीं है। और ऐसा ही एक दूसरा बंदा जो है अक्षय कुमार, जिसको बहुत सारा फेलियर मिला, जिसको आज तक एक भी अवार्ड नहीं मिला, लेकिन फिर भी उसने अपनी हार नहीं मानी। उसका EQ लेवल बहुत हाई था और सुशांत सिंह का EQ लेवल बहुत ही लो था। ये था सिर्फ एक सिंपल सा एग्जांपल। इसको समझ के आप अपने मन की स्थिति को पहचान सकते हैं कि आप कैसे स्टेप्स लें कि आपको आगे बढ़ने में आसानी मिले, या आप ऐसे कैसे स्टेप्स लो जिसकी वजह से आपको लोग पहचाने। आप काम बहुत अच्छा कर रहे हो, आप मेहनत बहुत अच्छी कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, आप हर तरह से सक्षम हो, लेकिन अगर आपका EQ लेवल डाउन है तो आप ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। सो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन दबाने के बाद आपको मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन ज़रूर आपको मिलेंगे। सो दोस्तों, शेयर ज़रूर करना इस वीडियो को और लोगों तक पहुंचाओ कि वो अपनी ज़िंदगी में सिर्फ IQ को इम्पोर्टेंस ना देकर EQ को इम्पोर्टेंस भी दे। दोनों का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। जितना आप दिमाग से तेज़ हैं उतना ही आप अपने दिल से भी तेज़ हो, यही एक अच्छे कामयाब इंसान की निशानी होती है। सो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए,
शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर ज़रूर करना, क्योंकि इन स्किल्स की रिक्वायरमेंट हमारे देश में बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो एग्ज़ाम्स के रिजल्ट के प्रेशर की वजह से सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं। दोस्तों, हमारे बच्चों में इमोशनल इंटेलिजेंसी की कमी है, क्योंकि आजकल हम उन बच्चों से बहुत ज़्यादा कनेक्ट नहीं रह पाते। हमारे बच्चे हमसे ज़्यादा, फैमिली से ज़्यादा फ़ोन में इन्वॉल्व होते हैं। प्लीज़ उनके साथ ज़्यादा वक्त बिताइए, पता करिए कि उनका इमोशनल इंटेलिजेंसी क्या है, उन्हें क्या चीज़ अच्छी लगती है, कैसे वो आगे बढ़ सकते हैं, और अगर वो कहीं फेल हो जाए तो हम उनके साथ हैं ये कहकर उनके साथ खड़े रहिए, ना कि उसे अकेला सोचना पड़े मेरे साथ कोई नहीं है, मैं किसके साथ ये सारी बातें शेयर करूँ और मुझे इसका कोई ना कोई रिप्लाई मिले, आंसर मिले। सो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो। प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मेरा नाम रहमान, मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में। बाय बाय।